हाय फ्रेंड्स, आज आपके सामने तीन बंदे खड़े हैं। ये बंदे वही हैं जिनका अभी अजमेर रैली भर्ती में कलर का सिलेक्शन हुआ है। इन्होंने रनिंग पास कर ली और मेडिकल भी काफ़ी हद तक इनका पास हो चुका है। तो इनके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है एकेडमी की तरफ से, एक छोटा सा प्रोग्राम ग्राउंड के अंदर ही रखा है कि अभी ये रिटर्न की तैयारी करेंगे। तो इससे जाने से पहले हमने सोच रहे थे, थोड़ा बिजी हो गया था मैं और इन बंदों को भी टाइम नहीं था, तो इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया। लेकिन कोई बात नहीं है, देर आए दुरुस्त आए। तो अभी इनका माला का प्रोग्राम करेंगे, बंदों का हौसला अफजाई करेंगे। तो पवन, चॉकलेट भी लेके आए रे? चॉकलेट खिला? अरे तालियां बजा लो, तुम्हारे लिए भी तालियां बजेगी। शाबाश शाबाश शाबाश। ओके, सबसे पहले तीनों में भर्ती कौन रनिंग पास करी थी? सचिन। ओके, सबसे पहले सचिन के लिए तालियां बजा, शाबाश। नेक्स्ट नंबर टू किसने पास करी थी? नानू ने। गुड, शाबाश नानू। उसके बाद खेमा, गुड शाबाश। शाबाश। तो ये बंदों ने अभी अजमेर भर्ती जो राजस्थान में अभी चल रही थी, उसमें तीनों बंदों ने कलर्क में फाइट किए, जिसमें सचिन है। ये मेरे पास फरवरी में भी आया था जब उदयपुर वाली भर्ती थी, लेकिन भाई साहब मेरे पास ओनली 10 दिन आए थे। तो 10 दिन में भी इन्होंने बीच में चले गए थे, मतलब 2 दिन आए, रगड़ा पट्टी लगी, चले गए थे, सामने बता रहा हूँ मैं इनके। फिर उधर नेचुरली कोई इसका कोई एक्चुअली इसके नंबर मिल गए थे मेरे पास, तो नंबर फ़ोन किया तो मम्मी ने फ़ोन उठाया। तो मम्मी क्या बोलती है पता? बोला घर पर तैयारी कर रहा है। तो इसने बोला मैं घर पर तैयारी कर लूँगा, अकेडमी में नहीं जाऊँगा। लेकिन मैंने किसी कारणवश इसको बताया मुझे मेरे पास भेजो, बच्चा अच्छा है। उसके बाद ये 7-8 दिन बाद मेरे पास है, उसके बाद कंटिन्यू मेरे पास है। उसके बाद मैं अभी जो अजमेर भर्ती हुई इसमें इसने फर्स्ट क्लास बढ़िया सिलेक्शन दिया। इसके शायद वीडियो भी आपने देखे होंगे, सचिन विश्नोई नाम है इसका। तो कुछ कारणवश होता है, जैसे 2 दिन रगड़ा लगने की वजह से घर चला गया था, लेकिन इसके नंबर मेरे पास रह गए थे, क्यों नंबर मैंने नोट कर ली थी। फिर मेरे को ऐसे बैठे बैठे याद आया कि मैं एक सचिन बंदा करके आता था, लेकिन आया नहीं है, 10 दिन से नहीं आया। फिर फ़ोन लगाना हुआ, इसका वापस आना हुआ और आज इसका सिलेक्शन है। हो सकता है घर पर तैयारी इतनी अच्छी तरह से नहीं कर पाता जितना मैं एकेडमी में कराता हूँ, और बंदे ने भी खूब मेहनत की है और आज इसने रनिंग वगैरह पास कर लिए। नंबर टू पे है नानू। नानू भी सेम, नानू की एक हिस्ट्री में छोटी सी कहानी बताना चाहूँगा, क्यों ये सबके साथ हो सकता है, क्यों नानू के साथ हुआ। सेम फरवरी में एक, कितने दिन आया था मेरे पास नानू फरवरी में? 15 दिन आया था, लेकिन वहाँ भर्ती रैली में गया, इसकी रनिंग वगैरह अच्छी थी उस टाइम। मेरे को 100% मैं टिक मार देता हूँ, कोई भी मेरे पास बंदा यहाँ से जाता है तो मैं उसको बता देता हूँ भाई आपका 50-50 है, 60-40 है, 70-30 है, कितना रेशियो आपका लगने वाला, या 100 में से 100% वो टिक मार देता हूँ मैं। अब नानों को वहाँ गाइड करने वाले ज़्यादा मिल गए, समझ में आया? जो बंदा कभी 1600 मीटर दौड़ा ही नहीं, वो नानू को आइडिया बता रहा है कि आपको ऐसे दौड़ना है, आपको ऐसे दौड़ना है। ग्राउंड में तो बहुत ज़्यादा पत्थर है, तो नया बंदा एक बार जो फर्स्ट हुआ जाता है उसको क्या एक घबराहट, एक डर हो जाता है। सेम वही क्या है, मैंने पहले बताया कि आपको जो बंदे वहाँ हैं भर्ती में उनकी ज़्यादा बिना फालतू की बातें नहीं सुनना है। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो प्रोपगेंडा फैलाते हैं और आपको डराने की कोशिश करते हैं। जैसे एक 300 का बैच बैठा है, उसमें 3-4 बंदे ऐसे होंगे जो पुराने होंगे, 2-3 भर्तियाँ देख रखी है और लगे नहीं अभी तक, लेकिन वो प्रोपगेंडा फैलाएंगे, मेरा तो 4:40 आ रहा है, मेरा तो 4:30 आ रहा है। कहीं 4:30 नहीं है, 5:20 वाले, 5:30 वाले, 4:30, 4:20 आता ना तो अभी तक उनका सिलेक्शन हो गया होता। यदि वो बंदा बोला मेरा 4:30 आया और अभी तक उसका 2-2, 3-3 भर्तियां नहीं देखिए, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये सब प्रोपगंडे होते हैं। इन प्रोपगंडों से आप लोगों को भी बचना है। मेरी एकेडमी में बच्चों को मैं समझाता रहता हूं कि प्रोपगंडे मास्टर हर जगह आपको एक दो मिलेंगे, जिनका काम ही है प्रोपगंडा फैलाना। तो इस बच्चे को ओनली डरा दिया गया था, उस डर की वजह से पिछली भर्ती नहीं निकाल पाया। लेकिन इस बार स्पेशली एक बंदा और साथ में भेजा था जो वीडियो शूट कर रहा है, तुम्हारा कैमरा पकड़ा कैमरामैन, वो बंदा साथ और गया था,
और फिर जाके जो मैंने फिर अभी तरीका अपनाया उस हिसाब से बंदे का सिलेक्शन किया, इसको साइड में रखा, किसी की बातों पे ध्यान नहीं देने दिया इसको, भाई कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ वो ही आपको सुनना है, और सुनी इस बंदे ने और इसने रनिंग आराम से पास करी। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 3 पे खेमा, ये भी क्लर्क से ही है, GD से, तीनों में से कोई नहीं, तीनों क्लर्क से ही है, ये भी सेम इस बार ही आया मेरे पास और अभी क्लर्क के लिए इसने सिलेक्शन दिया है, बहुत बढ़िया। और आप लोग भी जहाँ भी रहो मेहनत करते रहो, मेहनत के बगैर आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। एकेडमी में कई भाई साहब आते हैं, अभी जैसे रक्षाबंधन पर मैं देख रहा हूँ कि कुछ आए फिर रक्षाबंधन पर वापस चले गए, फिर वापस आएंगे तो घर जाने के बाद एक बार दिल नहीं लगता, तो मैं बोला या तो मेहनत करो या मत करो, दो चीज़ है, ये बीच में आधी अधूरी वाली कहानी मत रखो कि यार मेरे को मेहनत करनी है या नहीं करनी है। यदि आपको हकीकत में इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है तो मेहनत करो, अन्यथा और कोई काम पकड़ लो, आपको प्राइवेट जॉब पकड़ लो, सरकारी तो मिलने वाला नहीं आपको 45% में, एक इंडियन आर्मी जो आपको झेल पाती है और वो भी आप लोग नहीं कर पाते हो, बड़ा गुस्सा आता है इस चीज़ में। तो सपने लेने तो खुली आंखें से लो और उसके साथ मेहनत भी करते रहो, सपने लेना अच्छी बात है लेकिन सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, वो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। यदि हकीकत में इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है, सोचने से या बातें करने से नहीं होता कुछ भी, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, जब ग्राउंड में आता है ना बंदा तब पता चलता कितना दम है उसके अंदर। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि या तो मेहनत करो या कोई अपना प्राइवेट जॉब पकड़ लो जहां आपका दिल करता है, घर वालों का, और बिना फालतू कोई दूसरे का किसी का टाइम वेस्ट मत करो आप लोग, क्यों पैसा भी बर्बाद हो रहा है, घरवाले भी आस में बैठे मेरा बेटा फौज में लगेगा, लेकिन बेटा जी से मेहनत होती नहीं है, तो मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आपको कोई भी सर्विस आपको ज्वाइन करनी है, चाहे और कोई है जिसमें आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, आर्मी पुलिस है BSF CRPF है, इसमें आपका रिटर्न भी होगा, मेडिकल भी होगा और मेन इसके अंदर फिजिकल भी होगा, तो वो आपको पास करना पड़ेगा। तो आज का वीडियो शायद मेरे कई भाई बहनों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो ये इसलिए कई मेरे पास कल भी कमेंट्स आए थे सर आपने वीडियो नहीं बनाया कि आपके सिलेक्शन तो बहुत है, इसके अलावा भी कई हैं जो मैंने अभी तक वीडियो नहीं डाले, डालूंगा मैं, डालता रहूंगा धीरे धीरे, इसलिए इन बंदों को भी टाइम नहीं मिला, तीनों एक साथ नहीं मिल पाए, आज मिल पाए तो इसकी वजह से मैंने आज ये वीडियो बनाया। बाकी सभी खुश हो।